नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं SBI के ई पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, जब कभी भी हमें थोड़े बड़े पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो किसी मेडिकल इमरजेंसी, घर में शादी, या फिर अगर हमें लेनी होती है बाइक या कंप्यूटर या लैपटॉप, तो दोस्तों वहां पे हमें सबसे पहले याद आती है पर्सनल लोन की। और अगर आप भी पर्सनल लोन देख रहे हैं तो SBI आपकी इस जरूरत को कर सकता है पूरा। दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और वहां पे चाहते हैं कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम से कम दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत, और साथ में नो हिडन चार्जेस या कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपको ना पे करनी पड़े, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। साथ के साथ दोस्तों, अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक अच्छा विकल्प मानते हैं तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूँ आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से आप इस एक्सप्रेस क्रेडिट लोन को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और किस तरह के कौन कौन से चार्जेस आपको बेयर होंगे इस वाले लोन को लेने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और यहाँ पे एक्सप्रेस क्रेडिट लोन अगर आप लेते हैं तो कौन कौन से पर्पस हैं जिसे आप एक्सप्रेस क्रेडिट लोन से पर्सनली पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वेकेशन के मौके पे सब किसी को पैसे की होती है ज़रूरत, और उसी पैसे को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सप्रेस क्रेडिट लोन दे रहा है। दोस्तों, कोई आपकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ज़रूरत हो सकती है यहाँ पे एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के माध्यम से पूरी। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके फीचर के बारे में, तो लोन अमाउंट तकरीबन आपको 20 लाख रुपए तक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्सप्रेस क्रेडिट पे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर आपको, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी दूसरे बैंक के अंदर आपको ये फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। लो प्रोसेसिंग चार्जेस आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात निकल के आती है कि कौन लोग इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग इस लोन को ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको फुलफिल किया जा सकता है बहुत ही आराम से। कहने का मतलब मेरा ये है कि इंडिविजुअल कोई भी लोन अगर लेना चाहते हैं आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो कि एक्सप्रेस क्रेडिट या पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी महीने की जो सैलरी है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। दोस्तों, मिनिमम जो सैलरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है वो है 15,000 रुपये। अगर आपकी सैलरी 15,000 है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, तो आप एलिजिबल हैं इस एक्सप्रेस क्रेडिट लोन को लेने के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ EMI और NMI रेशियो की, तो लेस देन 50% है, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे EMI भी आपकी लेस देन 50% होगी अदर बैंक से, NMI नेट मंथली इनकम का 50% जो भी आपकी EMI है वो आपको पे करना होगा। लेट सपोज आपकी 15,000 रुपये सैलरी है और 15,000 सैलरी पे जो EMI होगी लेस देन 50%, यानी कि तकरीबन 7,500 रुपये या उससे नीचे या उससे ऊपर आप थोड़ी सी करवा सकते हैं EMI को अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको ये फोर्सफुली ये नहीं बोला जाएगा कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे इतना पैसा ही पे करना होगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय वर्किंग विद, यानी कि जो एम्प्लॉय का जो वर्किंग स्टेटस होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, या तो वो सेंट्रल में होने चाहिए, स्टेट में अगर आप हैं तो स्टेट में भी आप इसको ले सकते हैं, क्वासी गवर्नमेंट में ले सकते हैं, अगर सेंट्रल PSUS में भी अगर आप काम करते हैं तो भी आप ले सकते हैं इस लोन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और नेशनल रेप्यूटेड अगर जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी इस लोन को बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। सिलेक्ट अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूँ, तो यहाँ पर रिलेशनशिप होनी चाहिए आपकी बहुत ही अच्छी बैंक के साथ में, तो आप इस लोन को ले सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैलकुलेटर पे जहाँ पे, तो दोस्तों इस वाले फीचर को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैक्सिमम लोन जो रहेगा 20 लाख रुपए का रहेगा, लेकिन 20 टाइम NMI यानी कि नेट मंथली इनकम का 20 टाइम आप ले सकते हैं लोन। लेट सपोज आपकी सैलरी अगर 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, जिसको अगर आप 20 टाइम करते हैं, तो 20 टाइम भी अगर आप ज़्यादा कह रहे हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 20 टाइम अगर आप इसको कर लेते हैं, तो आपको तकरीबन आपको 3 लाख रुपए का लोन यहाँ पे मिल सकता है अपनी सैलरी के ऊपर।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा था कि कितने का लोन एलिजिबिलिटी आपको मिल सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी पूरी की पूरी सैलरी के ऊपर के कितनी सैलरी है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी आपकी लोन अमाउंट है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ओवरड्राफ्ट लोन के बारे में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम लोन अमाउंट आपको 5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट के रूप में और मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको 20 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट के रूप में देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा बैंक है जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ड्यूरिंग द लोन प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपका कोई भी लोन पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चल रहा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, तो दूसरा लोन भी आप ले सकते हैं, जिससे क्लोज करने के बाद जो भी पैसा बचेगा, लेट सपोज आपका एक लोन चल रहा है जिसके अंदर अभी आपको 50,000 रुपये पेंडिंग है, 50,000 रुपये अभी आपको पे करने हैं और आपका लोन सेंक्शन हुआ है 3 लाख रुपये का, तो यहाँ पे माइनस करके आप 3 लाख रुपये में से वो 50,000 हटा दीजिए और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा, यानी कि तकरीबन तकरीबन 2,50,000 रुपये जो आपको मिलेगा, वो आपके अकाउंट के अंदर इंस्टेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो आपका पहले वाला लोन था वो डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि वो कर दिया जाएगा डिसकॉन्टिन्यू, वो लोन आपका खत्म हो चुका है। अब नया लोन सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर चल रहा है, जिसके जो जो कि आपको मंथली इजी इंस्टॉलमेंट में आप उसे आराम से पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे टर्म्स के बारे में, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है वो 1% है लोन अमाउंट की। लेट सपोज अगर आपका 1 लाख रुपए का लोन प्रोसेस हुआ है, तो 1% के हिसाब से जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस बनेगी वो रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे उस चीज के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो एट द रेट 2%, और यहाँ पे दूसरी तरीके से आपको फ्लैट रिड्यूसिंग डेली बैलेंस के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं क्लोज बहुत ही जल्दी, यानी कि आप 7 महीने में 8 महीने में कहीं और से आपके पास पैसा आ गया और आप उस लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो वहां पे ऐसी कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, उस लोन को भी बड़े आराम से आप उसको क्लोज कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आपको उस लोन को क्लोज करने के लिए नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मिनिमम रीपेमेंट 6 महीने में कर सकते हैं, या मैक्सिमम रीपेमेंट अगर आप करना चाहें तो लोन ड्यूरेशन 6 साल का है, तो 6 साल तक में आप इसको पैसे को पे कर सकते हैं, मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 6 साल आप इसको आराम से पे कर सकते हैं। कोई भी जल्दबाजी या किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी हिडन चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे आपको चाहिए होगा केवाईसी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगी और आपको जाकर के ऑनलाइन ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो वहाँ पे 3 प्रोसेस आ गए हैं मेरे पास, 3 स्टेप आ गए हैं निकल के। पहला मेरे पास दिखा रहा है कि पर्सनल लोन चाहिए, मुझे पर्सनल लोन चाहिए। उसके अलावा स्टेप 2 के अंदर देख पा रहे हैं आपके, डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका कोई पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कोई लोन चल रहा है या फिर किसी भी दूसरी तरह की सर्विसेज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको दे रहा है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो वो आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी और आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्टर भी हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।